हेलो फ्रेंड्स, आपने आलू की टिक्की तो खाए होंगे। आज हम पोहा को लेके एक टेस्टी सा टिक्की बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सा बर्तन में एक कटोरी पोहा लेंगे और एक ग्लास पानी देके उसको अच्छे से धो लेंगे। एक बार इसको धो लेंगे उसके बाद हम उसको छान के अलग कर देंगे और ये पोहा थोड़ा सा फूल जाए, फिर उसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ और चीज़ डालेंगे। सबसे पहले हम ग्रेटेड किया हुआ गाजर डालेंगे और पोटैटो डालेंगे, ये बॉयल्ड पोटैटो है। तो अब इसमें ग्रेटेड किया हुआ पनीर डाल देंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज, फाइन चॉप किया हुआ हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड को हमने ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। अब इसको डालने के बाद इसमें 1 चम्मच व्हाइट वाला नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच आमचूर का पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो सारे चीज़ हमने डाले हैं इसको हाथ के मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें से एक बॉल जितना हाथ में लेंगे और इसको बॉल बनाते हुए और इसको रोल करते हुए हम इसका शेप दे देंगे। अब देखिए, अब इसको हम एक हार्ट शेप दे देंगे और हाथ की मदद से ये अच्छे से बन जाता है। आप जो भी शेप में बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। तो हम हार्ट शेप दे दिए हैं, तो ऐसे ही हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। अब इसको डीप करने के लिए एक स्लरी तैयार करते हैं। तो एक बोल में 2 चम्मच हम मैदा लेंगे। अब मैदा देखे तो ये 1 कप जितना होगा, तो उसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हम अदरक लहसुन पेस्ट देके और पानी देके उसका एक स्लरी तैयार कर लेंगे। अब देखिए, हमने ब्रेड क्रम्स भी रखा है, हमने जो ब्रेड क्रम्स डाले थे टिक्की में। अब देखिए, हमने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से एक लेंगे और वो जो मैदे के एक स्लरी बना के रखे थे उसमें डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। अब इसको अच्छे से हम कोटिंग कर लेंगे। हमने मैदा जो हमने कोटिंग किया था तो ये ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक जाता है उसमें। अब देखिए, इसको एक तैयार कर लिया है तो दूसरा भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। टिक्की को कोटिंग करने के बाद हम फ्रिज में अगर 10 मिनट के लिए रख देते हैं तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। और जब हम फ्राई करते हैं ना, ये ब्रेड क्रम्स ऑयल में ज़्यादा निकलता नहीं है। और ये टिक्की को हम कोटिंग करके एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब मन हो जल्दी से निकाल के हम फ्राई करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए, तैयार है हमारा सारे टिक्की। अब एक पैन लेंगे और ऑयल हीट करेंगे और सारे टिक्की को हम एक एक करके डालेंगे और उसके ऊपर हम ऑयल डाल देंगे। गर्म ऑयल डालने से जो ब्रेड क्रम्स है ये ज़्यादा निकलता नहीं है। हम देखिए, सारे टिक्की को ऐसे ही हम एक एक करके डालेंगे और उसमें गरम ऑयल डाल देंगे। अब देखिए, इसको 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। ये ज़्यादा टाइम फ्राई होने में नहीं लगता है, तो इसको 2 मिनट हम फ्राई करेंगे। फिर जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हम उसको दूसरा साइड भी पलट लेंगे ताकि दूसरा साइड भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब देखिए, सारा टिक्की हमारा एक साइड से पक गया है, अब दूसरा साइड भी फ्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसके साथ ही एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना। तो देखिए, हमारा सारा टिक्की तैयार है। अब इसको हम निकाल देंगे ऑयल से और दूसरा बैच भी ऐसे ही हम एक एक करके डालते जाएंगे और उसके ऊपर ही ऑयल डालते जाएंगे। अब देखिए, सारा टिक्की हमारा तैयार है और आप भी एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।